फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंस क्या हमें फिर से दिखाई देंगे रेसलमिनिया के मेन इवेंट में, और हम बात करेंगे वो कौन से दो बड़े मैचेस जो अनाउंस हो चुके हैं स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड के लिए। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन लाइव के दो बड़े मैचेस के बारे में। तो गाइस, सबसे पहला मैच हमें देखने को मिल सकता है शेन मैकमैन द मिज वर्सेस उसोस के बीच। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं इन दोनों टीम्स का मैच कन्फर्म हो चुका है स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एट फास्ट लेन। तो उसी के बिल्डअप के लिए इस मैच को बुक किया गया, और अगला मैच हमें दिखाई देगा आर ट्रूथ का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एक ओपन चैलेंज। या दोस्तों, जैसा कि उन्होंने लास्ट वीक किया था वैसा ही वो इस हफ्ते भी करने वाले हैं। तो गाइस, अपने अगले अपडेट पर चलते हैं जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं रोमन रेंस ने हमें WWE में रिटर्न कर लिया है, और हम सभी फैंस के दिमाग में एक ही बात घूम रही है, क्या रोमन रेंस फिर से रेसलमेनिया 35 को मेन इवेंट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पिछले 4 साल से रोमन रेंस ही रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हुए आ रहे हैं, तो क्या इस साल भी वो मेन इवेंट करेंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे कि हम जानते हैं रोमन रेंस को ल्यूकेमिया अनाउंसमेंट करने से पहले काफ़ी ज़्यादा बू मिलती थी, और उनकी बू का एक ही कारण था कि उन्हें ओवर पुश किया जा रहा है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है, और उन्हें से रेसलमेनिया भी बार बार मेन इवेंट करवाया जाता है। तो गाइस, इसलिए WWE हो सकता है उन्हें इस बार मेन इवेंट करने के लिए ना दे, क्योंकि रोमन रेंस को बड़ी मुश्किल से वापस से इतनी अच्छी ऑडियंस का चेयर मिल रहा है, और वो भी अमेरिका जैसी कंट्री वाली ऑडियंस से। तो WWE चाहेगी कि ऐसा ही रोमन रेंस को चेयर मिलती रहे, और इसलिए उन्हें मेन इवेंट में नहीं डाला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मिड कार्ड से मेन इवेंट में डाला जाएगा, क्योंकि WWE उन्हें अच्छी तरीके से फेस बनाना चाहती है। तो गाइस, यही थी अपडेट रोमन रेंस से जुड़ी, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट्स करके आप मुझे बताइए क्या आप चाहते हैं रोमन रेंस रेसलमेनिया को मेन इवेंट करें, और नहीं तो ना बोल दीजिए। तो गाइस, यही थी अपडेट, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।